हेलो एवरीबॉडी। सो मैं आपके पास फिर से आज टुडेज एनर्जी ऑफ योर पर्सन की लेके आया हूँ। आज आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो किस एनर्जी में है, खुद के लिए भी और आपके लिए भी क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। सो आज देखते हैं टुडेज एनर्जी ऑफ योर पर्सन क्या है उनकी एनर्जीज। एंड एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, जो रेजोनेट करे रखें, रेजोनेट ना करे जाने दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी के लिए है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स बिगिन विद माय कार्ड्स। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट माय चैनल। बहुत अच्छा, मैंने पहले ही कार्ड तो मेजर अरकाना आ गया। लेट्स सी, so let's see, let's begin with cards. wow, बहुत अच्छी feelings आज की, तो एनर्जी उनकी बहुत ही बढ़िया है। so let's see, पहले चार कार्ड लेते हैं। let's see, so पहला कार्ड है the magician. so magician तो साफ बता रहा है कि वो बहुत अच्छी एनर्जी में है आज। तो वो बहुत अच्छी एनर्जी में, उनकी एनर्जी जो आज की है बहुत अच्छी है एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके पास उनके खुद के लिए भी तो बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि अचीवमेंट को भी दर्शा रहा है ये कार्ड। मुझे फील करवा रहा है कि अचीवमेंट भी है, चाहे वो मनी के लिए हो या कोई पोजीशन हो, कोई करियर वाइज भी मुझे बहुत अच्छा, और मूड वाइज भी, मूड भी उनका बहुत अच्छा है आज। तो आज तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ कनेक्शंस हो। एंड मुझे इनकी एनर्जी ये बता रही है कि आपको आज बहुत याद कर रहे हैं, और वो एक ऐसी पोजीशन में है कि आपको वो मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। हालांकि नो कांटेक्ट की रीडिंग नहीं है, फिर भी जब मुझे वाइब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ही। ये पर्सन कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं आपसे, चाहे मेल हो फीमेल हो, क्योंकि एनर्जी उनकी ऐसी है कि आज वो सब कुछ उनके पास है एंड आज के दिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। इन अदर हैंड काफ़ी मायूस भी चल रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स तो मुझे बता रहा है कि मायूस तो चल ही रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें उनके पास हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें उनके पास हैं। प्यार नहीं है, आपका प्यार नहीं है, तो थोड़े से निराश जरूर है। एंड वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, बट वो चीज़ों के मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, चाह तो रहे हैं, बट यहाँ पे वो एक्शन लेने की मुद्रा में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक्शन लेने के लिए आदमी को एक्टिव होना पड़ता है, निराशा से काम चलेगी नहीं, क्योंकि वो आपसे दूर गए हैं, आप उनसे दूर नहीं गए हैं। तो उन्हें चाहिए कि चीज़ों को वापस से रिकंसिडर करें, चीज़ों को वापस से रिव्यू करें आपके प्यार के बारे में, और कैसे इस पार जाना है, प्यार को हासिल करना है, तो ये तो उन्हीं को डिसाइड करना है। लेकिन बहुत मायूस है आपके बिना, आपके इन बिना बहुत दुखी भी हैं। सो बदलाव तो चाह ही रहे हैं, क्योंकि फाइव की एनर्जी है, तो बदलाव तो चाह ही रहे हैं और मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। सो आपको वो कुछ देना चाहते हैं, अपने प्यार का तोहफा देना चाहते हैं, फेस एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है। और इन अदर हैंड उनको, जैसा कि मैंने बताया कि आज उनके पास बहुत कुछ है, पैसे, उसे पैसे भी बहुत बनाए हैं उन्होंने, एंड यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ साफ साफ लग रहा है कि वो बहुत कुछ अचीवमेंट उनके साथ अपने पर्सनल लाइफ में हुआ भी है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। और हाल ही में मुझे लगता है कि उनके पास काफ़ी सारे पैसे आए हैं, अबंडेंस की मुझे एनर्जी आ रही है, और उनको काफ़ी सारे पैसे कहीं से आए हैं जिनका वो वेट कर रहे थे। तो उनकी एनर्जी खुद के लिए भी तो बहुत अच्छी है, पर्सनल लाइफ की अच्छी हो ना हो, बट जो उनकी सोशल लाइफ है और जो उनकी इकोनॉमिकल लाइफ है, उनकी एनर्जी आज बहुत बेस्ट है। सो मुझे लगता है कि कुछ गिफ्ट भी आपको देना चाहते हैं वो, बट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। द फूल, तो एनर्जी जो उनकी फीलिंग्स है, एनर्जी जो उभर के आई है,
जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा कि यहाँ मैजिशियन की ऊर्जा है उनके अंदर, तो फूल एक अलग ही लेवल को दिखाता है। वो फ्लो में जा रहे हैं अपने करियर वाइज भी और सोशल लाइफ भी, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड उनको काफ़ी सपोर्ट भी है लोगों से, एंड इतने स्पीड में है वो, इतने स्पीड में है कि कुछ लोग तो उन्हें थोड़ा सा समझा भी रहे हैं कि गो विद द फ्लो, जाना तो ठीक है बट इतना भी फास्ट ना जाए कि आगे खतरा हो। तो थोड़े से वो लापरवाह ज़रूर हैं, इसलिए आपसे दूर गए हैं। मुझे लग रहा है कि एनर्जी उनकी थोड़ी सी लापरवाही वाली भी है, एंड इन अदर हैंड यहाँ भी वही है कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको प्यार का तोहफा देना चाह रहे हैं। सन की भी एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें मिलके आपके फेवर में काम कर रही हैं, लेकिन इन अदर हैंड वो चीज़ों को उतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए या ना किया जाए। तो बात वहीं पे आके फंस रही है कि मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एक्शन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं कुछ और कार्ड से कि क्या उनके मन में और चल रहा है, क्योंकि कुछ कार्ड और निकालने पड़ेंगे जहाँ से उनकी मनोदशा आज की टुडेज करेंट एनर्जी पता चल सके। तो एनर्जी किस ढंग की एनर्जी उनकी देखना ज़रूरी है। कुछ कार्ड्स और आ जाए तो बेहतर होंगे। एम्परर है, मुझे काफ़ी सारे आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं। एम्परर आते के साथ ही मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, मुझे आंसर्स मिल गए कि वो क्या चीज़ें हैं जो उनकी एनर्जी आपके फेवर में नॉट एक्शन करती हुई दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पे है आपकी द एम्परर, तो एम्परर मुझे साफ बता रहा है कि वो थोड़ा सा मैच्योरिटी चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैजिशियन भी एक यंग वाइब है, द फूल भी एक यंग वाइब है, और कुछ नई जो चीज़ें उनको मिली है अपने लाइफ में खुद के लिए वो भी बहुत नई है, बहुत न्यू है, एंड यहाँ पे मैच्योरिटी चाहिए उनको, कुछ समय चाहिए उनको। इसी वजह से वो थोड़े से निराश चल रहे हैं और पलट के उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जहाँ पे उनको एक विश फुलफिलमेंट हो। तो वो अब चाह रहे हैं कि थोड़ी सी मैच्योरिटी और आए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि टाइम टेकिंग लेके कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, तो फैसला तो वो लेंगे आपके फेवर में ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ समय ज़रूर लगेगा। मे बी 5-6 days, कुछ लोगों के लिए 5-6 days या 5-6 weeks हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कार्ड्स हैं उनमें 5-6 की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 6 of cups भी आया है। तो वो तो जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि पुराने दिनों को तो याद करके बहुत ही निराश हैं, आपके साथ बिताए हुए पल जो उनके दिल में समाए हुए हैं, आपके साथ बिताए हुए रोमांस के पल जो हसीन वादियों में उन्होंने बिताए थे, या कहीं पे अकेले किसी जगह प्लेस पे आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स बने थे, आप दोनों ने ऑफ़र दिया था एक दूसरे को, काफ़ी सारे वादे किए थे आप दोनों ने आपस में, तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो निराशा, इतने घोर निराशा में है कि पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, और उनके पास हाल ही में जो नई नई चीज़ें आई हैं करियर वाइज या फैमिलीज में, तो उनको लेके वो थोड़े से और चाह रहे हैं कि पहले से स्टेबल हो जाया जाए अच्छी तरह से, फिर उनका कुछ डिसीज़न। मुझे लग रहा है कि द एम्परर कार्ड बता रहा है कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैच्योरिटी चाह रहे हैं। हो सकता है वो मैच्योरिटी आप में भी चाह रहे होंगे, वो विश कर रहे होंगे, हो सकता है कि उनको लगता हो कि आप मैच्योर नहीं हैं या चीज़ों को मैच्योरिटी हैंडल नहीं कर रहे हैं, आपसी तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी उनको लगता होगा कि मैच्योर पर्सन नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक एडवाइस भी कार्ड से मिल रही है कि आप थोड़े से मैच्योर हों, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेंड करके बड़े स्तर पे सोचें, और देखते हैं, क्योंकि मुझे तो कार्ड चाहिए ही, देखते हैं क्या होता है। और
मुझे एक कम से कम एक कार्ड चाहिए और एक या दो कार्ड चाहिए जिससे मुझे आज की जो करंट एनर्जी है उन पर थोड़ा सा और प्रकाश डाला जा सके। लेट्स सी, देखते हैं। दो कार्ड तो आए हैं, दो कार्ड आए हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे दो कार्ड हैं। एक पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस आप बता रहा है कि थोड़ा सा इंट्यूटिव है, वो इंट्यूशन के हिसाब से ही वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल भी बनना होगा उनको। यहाँ एक इंडिकेशन है कि स्पिरिचुअल बनना होगा, क्योंकि किसी की मोहब्बत को समझने के लिए स्पिरिचुअल बनना पड़ता है, आत्मिक बनना पड़ता है। तो उनकी आज की एनर्जी है थोड़ी हिडन भी है, क्योंकि निराश तो है ही, वो थोड़ी हिडन भी है। और मुझे लग रहा है कि डिवाइन का तो सपोर्ट है ही, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स है, मून की एनर्जी है, तो थोड़ी, हाँ, मून की थोड़ी सी एनर्जी, चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैच्योरिटी आप में चाह रहे हो या वो खुद मैच्योर थोड़े से टाइम टेकिंग लेना चाह रहे हो, तो किंग ऑफ वैंड्स आया है। हो सकता है कुछ मैसेज आपको जाए, आप में से कुछ लोगों को शायद मैसेज जा सकता है, बट यहाँ थोड़े से ईगो में तो है ही, क्योंकि उनके पास अभी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जिसको लेके थोड़े से प्राइड भी है, तो ईगोस्टिक तो है ही। तो इन चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि आज जो इनकी एनर्जी आपके फेवर में तो है, बट अभी एक्शन का मुझे आज कोई वाइब नज़र नहीं आया एक्शन का, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज तो कम से कम, आज के दिन तो कम से कम एक्शन नहीं लेंगे। हो सकता है कल परसों या कभी भी ले सकते हैं। बट मुझे मुझे एक बात आपको बतानी है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे है 1 2 4 5 6, तो विद इन 1 वीक मुझे लगता है कि आप लोगों के पास शायद कुछ मैसेज जाए और कुछ लोगों के साथ कनेक्शन फिर से हो सकता है। सो यहाँ पे एनर्जीज तो उनकी बहुत अच्छी है, अचीवमेंट उनका बहुत अच्छा है, खुद के लिए, आपके लिए फीलिंग्स अच्छी है, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और पुराने दिनों को याद करके बहुत ही दुखी भी हैं एंड निराश भी हैं, बहुत सैड हैं आपके बिना। तो ये तो हुई आज की एनर्जी आपके पर्सन की, और नेक्स्ट डे देखते हैं किस दिन मेरी रीडिंग आती है एनर्जीज को लेके। सो फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।